Hi everyone, welcome to our channel The AGNI'S and you are watching the video series on class 10th mathematics. So class 10th mathematics mein hamara surface area volume chapter chal raha hai jiska already ek part kar chuke hain. I hope is part ko dekhne se pehle aap wo wala part dekh lijiye taki aapko sare points samajh aaye. So students, without wasting any time, jaldi se shuru karte hain apna aaj ka part and please don't forget to like, share and subscribe this channel with your friends. Let's get started. तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं राइट सर्कुलर कोन के बारे में. इसका डायग्राम जाने पहचाना है, आपने देखा ही होगा. किसी के बर्थडे पे आपने कभी ये कैप लगाई होगी या खुद के बर्थडे पे लगाई होगी, तो जो कैप की शेप होती है वो इस तरह की होती है. ये देखने में एक ट्रायंगल जैसा है लेकिन ये 3D फिगर है. 3D फिगर मतलब इसमें आपको नीचे एक सर्कल सा बनाना है, एक सर्कल बनाना है ताकि ये ट्रायंगल की तरह बिल्कुल ना लगे. हालांकि दो साइड्स इसकी ट्रायंगल की तरह हैं. बर्थडे कैप का मैंने एग्जांपल दिया है, उसके अलावा आइसक्रीम कोन भी आते हैं. आइसक्रीम कोन आप सब जानते हैं, सो इसको भी कोन ही बोला जाता है. सो इसी के बारे में आज की क्लास में बात करने वाले हैं. तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम में सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सी मेजरमेंट यूज की गई है. यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी चीज की हाइट कैसे नापते हैं स्टूडेंट्स. किसी भी चीज की हाइट नापते हैं बिल्कुल स्ट्रेट. तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको हाइट दी हुई है, हाइट वर्ड यूज किया है, तो आप समझ लीजिएगा कि परपेंडिकुलर आपको गिवन है. देखिए इसमें दो तरह की हाइट होगी, एक सिर्फ हाइट जिसको एच बोलते हैं और दूसरी होगी स्लांट हाइट. स्लांट हाइट इसको एल बोलते हैं, इसको लेटरल हाइट भी बोला जाता है कभी कभी, लेटरल हाइट. अब यहां पर आप देख सकते हैं एक हाइट ये है और एक और हाइट है जो कि ऐसे, जो कि डायगनली जा रही है, बिल्कुल सीधी नहीं है. तो इसको हम बोलेंगे स्लांट हाइट, इसको स्लांट हाइट बोला जाता है स्टूडेंट्स. और तीसरी साइड जो है वो है रेडियस. ये बिल्कुल सिलेंडर की तरह है, नीचे से रेडियस नापना है आपको. सर्कल जो नीचे वाला सर्कल है, देखिए बेस में सर्कल है इसके. अगर आप इस कोन को नीचे से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो बिल्कुल आपको एक सर्कल नजर आएगा. और सर्कल का रेडियस आपको पता है, सेंटर से शुरू होके साइड तक जाता है. तो ये वाली जो लाइन हो गई वो रेडियस हो गई. बस तीन चीजें हैं इसमें, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो बिल्कुल सीधी लाइन आती है वो होती है एच, इसको हाइट बोलते हैं. जो डायगनली जाती है उसको एल बोलते हैं, ये होती है स्लांट हाइट. और जो नीचे लाइन जा रही है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं रेडियस. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए. ये एक ट्रायंगल की शेप ले ली है इन तीनों साइड ने मिलकर. इन तीनों साइड से एक ट्रायंगल बन गया है. और वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन गया है. और राइट ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. राइट ट्रायंगल के लिए होती है पाइथागोरस थ्योरम. ये बोलती है कि इसका स्क्वायर, इस वाली साइड का स्क्वायर जो कि एल है, और ये जो एच है और यहां पे R है, तो इस साइड का स्क्वायर जो कि सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की, वो इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर है. मतलब इन दोनों स्क्वायर को जोड़ दो और बराबर ये कर दो तो ये वाली साइड आपकी आ जाएगी. अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये दोनों चीजें दी होंगी, आपको ये निकालना होगा. कभी कभी आपको ये दोनों चीजें दे दी होंगी L और R, आपको H निकालना होगा. तो वो डिपेंड करता है, लेकिन एक ही फॉर्मूले से सारे आंसर आ जाएंगे. तो सबसे पहले यही फॉर्मूला हम करते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको H दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो याद रखिएगा L निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है जो आप 7th और 8th क्लास में कर चुके हैं. देखिए ये होगी सबसे बड़ी साइड, स्लांट हाइट इज इक्वल टू
रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो इस तरह से आप स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। आप स्लांट हाइट निकालने क्यों क्यों जरूरी है स्लांट हाइट? स्टूडेंट याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको साइड साइड में पेंट करना है या कवर करना है, तो वहां पे कर्व सरफेस एरिया निकलता है। सो कर्व सरफेस एरिया के लिए साइड वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप साइड का एरिया नहीं निकाल पाएंगे जो बिल्कुल साइड का है। देखिए कर्व सरफेस एरिया में आपको नीचे वाले को नहीं देखना है। मान लेते हैं ये बिल्कुल कैप जैसा है और नीचे से खुला हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया में आप नीचे वाले सर्कल को हटा दीजिएगा, सिर्फ बाहर बाहर जो राउंडेड फिगर है उसका ही एरिया निकालना है आपको। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर एल, पाई आर एल बिल्कुल नया फॉर्मूला है। और यहां पे एल भी निकालना है आपको, और एल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो पहले आप अगर क्वेश्चन में एल दिया है तब तो अच्छी बात है, तब तो आप सीधा वैल्यू पुट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन में एल नहीं दिया है तो उसको पहले निकालिए और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया, अब नीचे से भी अगर इसको बंद कर दूं तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, तब मैं नीचे भी पेंट कर पाऊंगा इसके, या नीचे भी कवर कर पाऊंगा। और नीचे क्या है? नीचे एक सर्कल है, अभी बताया था मैंने आपको नीचे एक सर्कल है इसके। और सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो बचपन से आपने सीखा है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं सीएसए में एक सर्कल प्लस कर दूं तो बन गया ना टीएसए। तो देखिए सीएसए में, सीएसए का फॉर्मूला पहले नीचे लिखा मैंने और उसमें प्लस कर दिया एक सर्कल का एरिया जो कि हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया टीएसए का फॉर्मूला। अब यहां पर आप देख सकते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन है पाई आर, दोनों के पास पाई आर है और इसका एल और इसका आर ब्रैकेट के अंदर बच गया। तो बुक्स में इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो दोनों तरीके से अप्लाई हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा जैसा क्वेश्चन में दिया होगा आप उसके हिसाब से कीजिएगा। वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की, वॉल्यूम दी हुई है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेंडर के बारे में बताया था, सिलेंडर की जो वॉल्यूम थी वो थी पाई आर स्क्वायर एच, उस वॉल्यूम में 1/3 आगे मल्टीप्लाई कर दो तो कोन की वॉल्यूम बन जाती है, मतलब एक सिलेंडर का एक तिहाई कोन होता है, 1/3। सो आप यहां पे देख सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर भी किसका एरिया है? सर्कल का एरिया है एच, क्योंकि वॉल्यूम में अंदर का सारा कैलकुलेट होता है, अंदर का, इसके अंदर कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है अंदर, अब बाहर की बात नहीं हो रही है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि कोई भी चीज इसमें कितनी भरी जा सकती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं H इसलिए दिया हुआ है क्योंकि गहराई जो है इसकी बतानी पड़ेगी आपको H, और 1/3 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं है, उसका थोड़ा सा हिस्सा है, तो इसीलिए 1/3 मल्टीप्लाई किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जल्दी से एक बार और देख लेते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो सीधी हाइट होती है वो H हो गई, L होती है स्लांट हाइट और R होता है रेडियस। इन तीनों में से अगर आपको कोई एक निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे दी गई है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है। L निकालने के बाद आप सी एस ए निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में R तो गिवन ही होगा। उसके बाद पाई आर एल में अगर आप एक सर्कल का एरिया प्लस कर दें तो हो गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, नीचे से भी इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम में होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स ये कोन के बारे में मैंने आपको बताया है, बाकी और भी जानकारी लेंगे इसके बारे में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है राइट सर्कुलर कोन के बारे में और उसके सारे फॉर्मूले करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं स्फेयर के बारे में आपको बताऊंगा और उसके फॉर्मूले हम लोग करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Let's be believing in this. It's the strangest feeling.
feeling that I'm getting dreaming.